दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव और आज आपसे बात कर रहा हूँ फैक्टर्स टू लुक बिफोर डिसाइडिंग ए हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। आप लोग कहेंगे कि इस बारे में तो मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूँ। जी, मैं बहुत छोटा सा एक वीडियो इसके बारे में पहले दे चुका था जिसमें सुपरफिशियल कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे इसके बारे में जानने के लिए। उन पॉइंट्स को मैं रिवाइज करता हूँ इन ए नटशेल कि मैंने आपको कहा था कि डॉक्टर की एजुकेशन और एक्सपीरियंस देख लीजिए, उसकी डिग्री देख लीजिए, डॉक्टर कम से कम MBBS होना चाहिए, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो और भी अच्छी बात है, डॉक्टर ने कितने केसेस किए हैं, ज्यादा केसेस अच्छी बात है, और उसके एसोसिएशंस क्या क्या है, किन किन बॉडीज से वो एसोसिएटेड है, उसकी टीम कैसी है, स्टरलाइजेशन कैसा है, तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो बहुत डीप नॉलेज देंगे आपको हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चुनने के लिए। और वाकई आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको अच्छे से अच्छे पॉइंट्स बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट है टीम। डॉक्टर की टीम कैसी है? क्या आप क्लिनिक पे गए 2 महीने पहले और फिर दोबारा जब आप आते हैं तो आपको वर्कर्स पहचानने को नजर नहीं आते? अगर उस डॉक्टर की टीम परमानेंट है तो उसके हाव भाव, उसकी आदतें उनको मालूम है। डॉक्टर साहब जब ये करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है, इससे डॉक्टर का कंसंट्रेशन बना रहता है और इससे ये भी पता पड़ता है कि डॉक्टर को जरूरत के समय कौन सी चीज चाहिए और वो उसी समय वही चीज उसको हैंडओवर कर देते हैं। कहने का मतलब ये कि डॉक्टर के इशारे वो समझते हैं, इससे भला डॉक्टर का तो होता ही है, उससे ज्यादा भला आपका। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं या बताना चाहता हूं आपसे कि आप पूछें अपने क्लिनिक पे जाके कि ट्रांजेक्शन रेट क्या है। ट्रांजेक्शन रेट का मतलब क्या होता है कि हम एक फॉलिकल को निकालने की कोशिश करते हैं, उस फॉलिकल में 3 बाल है, हम सिर्फ 2 को ले पाए, तीसरे की रूट रह गई या 2 छूट गए और 1 रूट मिल गई। इसमें नुकसान सीधे आपका है दोस्तों। नुकसान इस तरह से है कि फॉलिकल गिन गया 1, उसमें 3 रूट होने चाहिए थी लेकिन आपको मिल रहा है सिर्फ 1 बाल। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड है, अच्छा है, उसने सक्सेसफुल केसेस किए हुए हैं तो डेफिनेटली उसका ट्रांजेक्शन रेट बहुत कम होगा। तीसरी बात, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या है? कोई आता है बोले हमने पहले इसके पहले हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, सुबह 9 बजे गए थे और रात के 10 बजे छूटे थे, बड़ी मेहनत करी साहब। मैं इसलिए हंसता हूं क्योंकि वेटिंग टाइम कम से कम। फॉलिकल जब आपके सर से पीछे से निकल जाता है तो उसका खून का दौरा नहीं होता, वो रुक चुका होता है, वो खून में नहीं होता, उसको ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स नहीं मिल रहे होते, तो ऐसी स्थिति में उसको जल्दी से जल्दी वापस खून के पास बॉडी में यहां से निकाल के यहां पहुंचाना जरूरी होता है। तो प्रोसीजर जितनी जल्दी किया जाए, जितनी जल्दी उसको अंजाम दिया जाए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, वो अच्छा है। वेटिंग टाइम अगर ज्यादा है तो प्रोसीजर अच्छा नहीं हो रहा, वो फॉलिकल के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए दुख की बात है, कमी की बात है। इसके अलावा एक चीज और कि होल्डिंग सॉल्यूशन क्या है डॉक्टर का, ये जरूर पूछिए उससे। होल्डिंग सॉल्यूशन का मतलब जब हम फॉलिकल को निकाल लेते हैं 200, 300, 1000, 2000, तो हम उनको एक पेट्री डिश में एक नियत टेम्परेचर पे होल्ड करके रखते हैं और वो होल्डिंग सॉल्यूशन और टेम्परेचर, होल्डिंग टेम्परेचर ऐसा होता है कि वो फॉलिकल को मरने नहीं देता। अगर अच्छी तरह से स्टोर किया जाए तो फॉलिकल को 24 घंटे तक भी आप स्टोर कर सकते हैं इन स्पेशल केसेस। तो होल्डिंग सॉल्यूशन के बारे में भी डॉक्टर से जरूर जानकारी लीजिए कि आप होल्डिंग सॉल्यूशन में क्या यूज करते हैं। अगर उसको कम नॉलेज होगी डेफिनेटली दोस्तों आपको उसके हाव भाव से, उसकी नॉलेज से पता पड़ जाएगा। इसके अलावा भी एक पॉइंट है और वो ये है कि जब भी प्रोसीजर हो रहा हो डॉक्टर प्रेजेंट है ओटी में या नहीं। मेरे हिसाब से इसके बारे में कुछ फोरम्स के कुछ डिसीजन है, कुछ गाइडलाइंस है। बहुत सारे फोरम ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर को प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट डॉक्टर को फॉलिकल निकालने का काम, फॉलिकल पिकिंग का काम डॉक्टर को खुद ही करना चाहिए, इसके लिए उसे असिस्टेंट या टेक्नीशियन का यूज नहीं करना चाहिए। गाइडलाइंस इतनी सी है, पर मेरा पर्सनली मानना यह है कि डॉक्टर को ऑल द टाइम ओटी में प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे वो फॉलिकल निकालने का काम हो और डालने का काम। जब डाल रहे हैं फॉलिकल तो आप फॉलिकल अपने
टीम, अपने नर्सेस, अपने टेक्नीशियंस के साथ डालिए ताकि आप उनके काम को देखते रहें। काम क्या देखना है? काम ये देखना है दोस्तों कि कहीं पिगी बैंकिंग तो नहीं हो रहा। पिगी बैंकिंग में आपको समझाता हूं ये क्या होता है। हमने एक खड्डे में एक फॉलिकल डाला और उसके ऊपर हमने दूसरा फॉलिकल डाल दिया। तो दूसरा फॉलिकल डालने से क्या हुआ कि पहला जो फॉलिकल था उसको हमने ऐसे डाला और दूसरा फॉलिकल हमने उसके ऊपर ऐसे डाला, तो क्या हुआ, ये जो दूसरा वाला फॉलिकल था वो अंदर बरी हो गया। कहने को डॉक्टर ने गिन के दो फॉलिकल डाल दिए, पर आपको लाभ मिलेगा सिर्फ एक फॉलिकल का। सो यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू योर डॉक्टर कि सर आप एक पिट में दो फॉलिकल भी अगर डालते हो तो कैसे डालते हैं। द राइट मेथड इज दिस कि उसको सेपरेट करके चौड़ा करके दो फॉलिकल डाले जाए और इसको हम बोलते हैं रिकम्बेंट ग्राफ्टिंग, मतलब एक साथ दोनों फॉलिकल की रूट पकड़ के एक डायलेटर यूज करके हम एक साथ दोनों को डालें ताकि वो एक दूसरे को प्रेशराइज भी ना करें और हार्म भी ना पहुंचाए, इससे आपको फायदा होगा। फॉलिकल डालने के बाद असिस्टेंट को चेक करना चाहिए और डॉक्टर को निगाह रखनी चाहिए कि हॉकी फाइबर्स तो नहीं बन गए। ये फॉलिकल है, इसकी ये रूट है, अगर हम इसको इस गड्ढे में डालते हैं, मान लो रूट पहले टच करी स्किन से और ये ऐसे मुड़ गई, तो ये हॉकी फाइबर फॉलिकल बन गया, मतलब ये घूम गया, ये कभी ग्रो नहीं करने वाला है। तो हॉकी फॉलिकल ना हो इसके लिए डॉक्टर को सजग रहना होगा और अपनी टीम पे भी निगाह रखनी होगी कि मैं हॉकी फॉलिकल्स ना पैदा करूं। अभी एक चीज और बताता हूं, ये पर्सनली मेरे बारे में है, मेरे क्लिनिक के बारे में, और वो ये कि एट साई कॉस्मेटिक्स अवर पॉलिसी इज दिस, वी डू जस्ट वन केस पर डे। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं? इसका वजह ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो बहुत ही प्रिसीजन का काम है, ये बहुत प्रिसीजन का काम है और इसमें बहुत बहुत कंसंट्रेशन लगता है। तो अगर हम दो केस कर रहे हैं तो पहले फर्ज करिए कि आप पहला केस है तो हमें लगेगा 4 बजे तक ये केस खत्म कर देना है यार, 5 बजे वो दूसरा केस आ जाएगा। तो इस टेंशन में हम आपके साथ कुछ काम जल्दबाजी में कर सकते हैं, कुछ ना कुछ जल्दी तो कर सकते हैं। तो अरे यार जल्दी है, 4 बजे तक ओटी खत्म करनी है, फिर ओटी क्लीन होगी, दोबारा स्टरलाइजेशन होगा, इस तरह से डॉक्टर के दिमाग में टेंशन आएगा, स्ट्रेस आएगा, थकान आएगी जो नहीं चाहिए हमें ना केस करते समय। टीम को भी फ्रेश होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, थकान से फ्री होना चाहिए, तब आपको एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट मिलेगा। मैं आज का उद्बोधन, आज का एड्रेस यहीं खत्म करता हूं और इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हो तो मेरा नंबर फ्लैश करेगा इस वीडियो के बाद, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं और आप मेरे को कॉल दिल्ली से भी कर सकते हैं, बॉम्बे से भी कर सकते हैं। मे बी आप मेरे फ्यूचर पेशेंट्स की लिस्ट में हो या ना हो, आप अगर दूसरे देश से भी हैं तो भी कर सकते हैं, मेरा धर्म है, मैं आपको गाइड करूंगा आपके क्लिनिक के बारे में और आपके प्रोसीजर के बारे में। मैं प्रणाम करता हूं और बंद करता हूं। नमस्ते।